हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 9 हिंदी की वर्कशीट नंबर 33, जो आपकी 18 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। ठीक है, अलंकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मनुष्य एक सौंदर्य प्राणी है, अर्थात अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है। उसकी इस प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया। ठीक है, मनुष्य की एक सौंदर्य जो प्रिय प्राणी है, यानी कि उसको सुंदर चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और उसी के कारण कौन आए, अलंकार आए। ठीक है, अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, वायु और लिंग के अनुसार कभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते उन्हें, जो कि उन्हें अच्छी लगती हैं। मनुष्य प्रभावित होता है उनको देख के। किसी भी व्यक्ति वस्तु की सुंदरता दो कारणों से होती है, एक तो बाहरी रूप सजावट तथा दूसरा आंतरिक। ठीक है, सुंदरता दो तरह की होती है, एक आंतरिक सुंदरता, एक बाहरी, यानी कि एक दिखने में सुंदर है और एक मन से सुंदर है। ठीक है, सो इसी तरह कोई रचना भी अपनी बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है, तो कोई अपने अर्थ या गुण के कारण। कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़े अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। वह ऐसी रचनाएं करना चाहते हैं जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करें, लोग उसे पढ़ें। उसकी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन वास्तव में अलंकार कहलाता है। आलम यानी कि शोभा। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, आलम और कार। आलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला। ठीक है, अलंकार इन दोनों शब्दों से बना है, तो अलंकार का अर्थ है आभूषण, गहना या जेवर जिसको बोलते हैं, जो किसी की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन गहना उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ा देता है, उसी प्रकार अलंकार एक ऐसा साधन है जो क्या करता है, जो हमारा हमने जो लिखा है, यानी कि हमारा जो डाटा है, उसकी सुंदरता को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अलंकार एक ऐसा साधन या तरीका है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव और अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने चांदी आदि के आभूषण शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अब अलंकार क्या होते हैं देखिए, तो अलंकार देखिए, कविता रचना के लिए अलंकार को भामह, केशव आदि विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण माना, जिनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। जो रचनाकार होता है वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। इस प्रकार केवल कविता तक ही सीमित नहीं है, वरन यह गद्य में भी देखा जा सकता है। ठीक है, अलंकार के भेद कहाँ कितने हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभयालंकार। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और हमारे पास है उभय अलंकार। इनमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है। अलंकारों में क्या होता है, शब्दों के उपयोग ऐसा होता है जिसके कारण जो है वो देखने को मिलता है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अलंकार की, तो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, दैट इज शब्द और अलंकार, यानी कि शब्द अलंकार है ना, शब्द और अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना। इसमें कविता की सुंदरता शब्द पर आधारित होती है, मतलब अर्थात शब्द के बदल देने से अलंकार, सौंदर्य, चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द हो, तो उसके स्थान पर जल रख देने पर यदि सौंदर्य नष्ट हो जाए, तो यह शब्द अलंकार की पहचान है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि जो सुनाई देता है, अर्थ जो समझ आता है। दो तरह के शब्द होते हैं, ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनता है। इस अलंकार के वर्ण या शब्दों की लयात्मक और संगीतात्मक अर्थ होते हैं, अर्थ और चमत्कार नहीं। ठीक है, शब्द अलंकार जो है का आधार कौन है, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, शब्द अलंकार पता लगा क्या होता है। उसके बाद में शब्द अलंकार जो है उसके कौन से उनसे भेद होते हैं, एक तो अनुप्रास, एक यमक और एक शलेश अलंकार। ठीक है, अनुप्रास, यमक और शलेश अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनु प्लस प्रास, दो शब्दों से मिलके बना ये। ठीक है, अनु का अर्थ होता है बाद। ठीक है, और प्रास का अर्थ होता है निकट। अनु का मतलब बाद में, प्रास का मतलब होता है पास। ठीक है, निकट जिसको बोलते हैं, अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना, यानी कि किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना। जब एक वर्ण एक से, जैसे मैं है, कोई भी आप लाइन लिख रहे हो उसमें एक से ज़्यादा बार मैं आ रहा है आपका, जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति यानी कि दोहराव होता है। ठीक है, यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें एक ही वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे
आपको दिया हुआ है मुद्रित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमत बुलाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो कितनी बार आया हुआ है, ठीक है, स भी आया हुआ है, तो मैं और सरन की बार बार आया हुआ है, ठीक है। इस आवृत्ति में संगीत मेहता आ गई है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, क्लियर हो गया। मैं और स कई बार आए हैं इसमें। उसके बाद में यमक अलंकार की बात करते हैं, तो यमक अलंकार देखिए, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो, दो बार करना है, बार बार नहीं करना, जब एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो, जैसे किसी भी मान लो माँ शब्द है तो उसमें दो बार आ रहा है, कोई और शब्द जो है वो दो बार आ रहा है, जैसे यहाँ पे कनक कनक दिया हुआ है तो दो बार आ रहा है ना, ठीक है, तो उसको पर उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। दो बार वो शब्द आए पर दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होने चाहिए, तब कौन होता है हमारे पास, यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पे देखिए, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए नर या पाए बोराए, ठीक है। अब यहाँ पे कनक दो बार आया, जिसमें एक कनक का अर्थ है दतूरा और दूसरे का अर्थ है कौन, स्वर्ण, यानी कि सोने को बोलते हैं हम कनक, ठीक है। उसके बाद में श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ, यानी कि एक दूसरे चिपका हुआ जो होता है उसको कहते हैं, जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे देखो, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ पे पानी देखो अनेकार्थक शब्द है, इसके तीन अर्थ होते हैं, कांति, सम्मान और जल, जिसका प्रयोग मोती की चमक, व्यक्ति के सम्मान, आटा में पानी के लिए हुआ है। देखो पानी क्या होता है, देखो हम बोलते हैं ना कि हीरे के अंदर पानी ऐसे डाला होता है, सोने की चमक बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया होता है, या हम बोलते हैं कि मैं मतलब जब किसी की इंसल्ट होती है तो बोलते हैं ना कि वो पानी पानी हो गया, ठीक है, या आटे के अंदर पानी डालते हैं, बोलते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला, तो उस पानी का जो है वो जो है, तो क्या होता है, पानी के बिना हीरे में चमक नहीं आती, पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि पानी किस लिए यूज़ किया गया, उसकी इज्जत के लिए, उसके सम्मान के लिए, और पानी के बिना रोटी भी नहीं बन सकती, ठीक है। सो ये थे हमारे अलंकार तीन तरह के। उसके बाद में है हमारे कुछ क्वेश्चंस, उनके अंदर हमने बताना है कि कौन कौन से अलंकार हैं, तो उनके लिए चलते हैं अपने आंसर्स के ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं आंसर्स को। बेटा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों, ठीक है, ये हमने बताना है। उत्तर है, पहले में हम लिखेंगे, पहला हमारा है जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप, ठीक है। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, यहाँ ने जय और र वर्ण की आवृत्ति में से अधिक बार हुआ है, एक से अधिक बार जो आवृत्ति है वो आई है, ठीक है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार हमारे पास है, ठीक है। माया महागठनी हम जानी तरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, ठीक है। तो इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है, यह तरगुण शब्द के दो अर्थ हैं, यहाँ जो तरगुण शब्द आया ना, इसके दो अर्थ हैं हमारे पास, क्या हैं, देखो पहला अर्थ तीन गुण, ठीक है, ठीक है, ये तीनों गुण कौन से होते हैं, राजस गुण, तमस गुण और सत्तत्व गुण, ठीक है। दूसरा अर्थ है तीन धागों वाली रस्सी, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है हमारे पास मैया मोरी मैं नी माखन खायो, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ मैं और खै वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है, मैं और खै, मैं नहीं माखन खायो, खै दो बार है ना, मैं भी एक से अधिक बार आया हुआ है। चौथा है काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में यमक अलंकार है, क्यों है, यहाँ घटा शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है और दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है, पहली घटा का अर्थ बादल और दूसरी घटा का अर्थ है घटना यानी कि कम होना, ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद में पांचवें की बात करते हैं, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, अब देखो यहाँ पे भी तीन दो बार आ चुका है, बेर हमारा दो बार आ चुका है, ठीक है, तो इसमें भी क्या है हमारे पास, यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ बेर शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है परंतु दोनों बार बेर का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। पहली बार तीन बेर दिन में तीन बार खाने वाली का संकेत कर रहा है, तथा दूसरा तीन बार, ठीक है, तीन बेर का मतलब है तीन फल, जो बेर होता है ना खाने वाले बेर, वो तीन बेर खाती है, ठीक है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तीन बेर यानी कि तीन टाइम खाती थी और तीन बेर खाती है, तीन खाने वाले बेर खाती है, ठीक है। उसके बाद है रघुपति राघव राजा राम,
इसमें देखो अनुप्रास अलंकार है, क्यों है? क्योंकि यहाँ रे और घ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। देखो घ यहाँ पे भी है, घ यहाँ पे भी है, रे देखो रे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, एक से अधिक बार हुई है। इसका मतलब ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो आप यहाँ से इसको देख लें, ठीक है। अनुप्रास पाँचवा और छठवां पार्ट, उसके बाद में है हमारे पास तीसरा और चौथा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये है हमारे पास पहला और दूसरा। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है।